एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक कुम्बारका में स्थित मुगल माजरा गांव पड़ा। लगभग 3200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर तो वही ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मोहम्मद इकबाल हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। लगभग 1700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 350 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक भी विद्यालय नहीं है, जिस कारण गांव में साक्षरता दर बहुत निचले स्तर पर है। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 200 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 24 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 28 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 6 खडंजे, सीसीटाइज रोड, पानी निकासी के लिए नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्राइमरी व जूनियर पाठशाला, पंचायत घर, बारात घर, आंगनवाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसीटाइज रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान मोहम्मद इकबाल, ग्राम मुगल मजरा, विकास खंड मुबारका, तहसील व जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे गाँव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत गाँव में स्कूल नहीं है तो बेटी कहाँ से पढ़ाई जाएगी। मुझे गांव में प्राइमरी अथवा जूनियर हाई स्कूल की ज़रूरत है। गांव के अंदर मैंने बहुत सारी सीसी खड़ंजे लगवाए, 6 खड़ंजे लगवाए, 2-4 खड़ंजे नरेगा से लगवाए। मैं 2005 से अब तक लगातार प्रधान हूँ। बीच में 2011 में मेरी मिसिज ब्लॉक प्रमुख कुमारका रही। 2016 तक जब भी मैंने गांव में करीब 80 लाख रुपए के कार्य करवाए, एक नदी का रपटा बनवाया, एक तालाब की दीवार बनवाई जिसकी आम जन को बहुत ज़रूरत थी, उससे करीब 50 गांव जुड़े उस रपटे से। वहां को आवागमन चल रहा है, लोग बहुत ठीक ठाक चल रहे हैं उसमें। और हमारे गांव में खास ज़रूरत है ग्राम समाज की ज़मीन की। अगर सरकार ग्राम समाज की हमें कुछ ज़मीन एक्वायर कर दे तो हम गरीबों को उसका बंटन कर दें, क्योंकि गरीब आदमी कुल डीड डालने के लिए भी सड़क पर मजबूर है, उसके पास जगह नहीं है। अगर उनकी कुल डी सड़क से हटवाई जाएगी तो उस कुल डी को कहाँ डाल लगे। गाँव ODF हो गया है, 150 शौचालय बनवाए गए। 2015 में हमारे गांव में पानी की टंकी लगी जो चालू हालत में है, बहुत जल्दी चलने को तैयार है। हमने मकान बनवाए, 4 लोहिया आवास बनवाए, वैसे भी मकान बने जिनके थोड़े पैसे थे। हमें 2-3 हैंडपम्प की जरूरत हुई है कहीं कहीं जहाँ गरीब लोग हैं, क्योंकि हैंडपम्प बहुत महंगा लगता है, हर आदमी उसे लगा नहीं सकता।